परम ज्ञानी सूत जी महाराज की जय। शुभम भवतु, कल्याण हो। हे वेद पुराण के परम ज्ञाता सूत जी महाराज, आज हम सब यहां जगत जननी, जगदम्बा, जगत माता, परम कल्याणी मां आदि शक्ति की उन कथाओं को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो उन्होंने जगत कल्याण के लिए समय समय पर अपनी अनन्य लीलाओं द्वारा रची हैं। हे ऋषि जनों, ऐसी पवित्र पावन कल्याणमयी और मंगलकारी मां की अद्भुत और मन को प्रफुल्लित कर देने वाली कथा का प्रारंभ प्रलय द्वारा युगांत के पश्चात नवसृजन से करते हैं। प्रलय के पश्चात जब कुछ भी शेष नहीं रह गया था, ऊपर केवल अंतरिक्ष था और नीचे केवल जल ही जल, उस जल में मधु और कैटव नाम के दो दैत्य तैर रहे थे जिन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। हम दोनों के सिवा है ही कौन? एम ध्वनि का स्वर उन दैत्यों को अत्यंत कर्णप्रिय लगा और वे दोनों एम स्वर का स्वयं उच्चारण करने लगे। उच्चारण करते करते उन्हें 60 वर्ष बीत गए। फिर एक दिवस प्रसन्न होकर माँ भुवनेश्वरी ने उन दैत्यों को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। वरदान पाकर वे दैत्य झूम उठे और वहां तप कर रहे ब्रह्मा जी को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़े। प्रतीत होता है ये दोनों विष्णु जी की उत्पत्ति हैं। उन्हीं से चलकर सहायता की याचना करनी होगी। हे ब्रह्मा जी, आप निश्चिंत रहें, दैत्य मारे जाएंगे और आपकी रक्षा भी अवश्य होगी, पर इनकी उत्पत्ति किसने की? मैं उनकी उत्पत्ति का कारण नहीं हूं। श्री हरि विष्णु जी ने मां आद्य शक्ति भुवनेश्वरी का मनन किया। मां ने उन्हें बताया कि इन दोनों दैत्यों की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु जी के कर्ण से हुई थी। अपने तपोबल से वे दोनों दैत्य मां आद्य शक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। अंत में मां भुवनेश्वरी के आशीर्वाद और वाद विवाद की चपलता से श्री हरि विष्णु ने उन दैत्यों को इच्छित मृत्यु के लिए बाध्य कर उनका वध किया। महान रुद्र, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों अपनी उत्पत्ति से अनभिज्ञ थे। उन्हें अपने मूल तथा उद्गम का ज्ञान नहीं था। वे एक दूसरे को अपना जनक समझते थे। हे श्रीहरि, आप ही मेरे जनक हैं। मां भुवनेश्वरी ने उन तीनों देवों की शंका का समाधान करने हेतु अक्षरधाम बुलाया। समय मैं ना तो स्त्री रह जाती हूँ ना पुरुष, तब मैं माया विशिष्ट ब्रह्म भाव में लीन हो जाती हूँ। सृष्टि के सृजन हो जाने पर मैं पुनः बुद्धि, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति, तृष्णा, क्षमा, सत्य, असत्य, वैखरी आदि अपने दैत्य रूप में प्रकट व प्रकाशमान होती हूँ। सृष्टि सृजन एवं संचालन हेतु माँ ने ब्रह्मा जी को देवी सरस्वती, श्री हरि विष्णु जी को देवी महालक्ष्मी तथा भोले शंकर जी को देवी महाकाली शक्तियां प्रदान की। सृष्टि सृजन के साथ साथ संसार के प्राणियों को सुसंस्कार, पवित्र आचरण, सत्कर्म और सदाशयता की ओर प्रवृत्त करना भी आवश्यक है। इस कार्य हेतु माँ भुवनेश्वरी ने वेद माता गायत्री को
ब्रह्मा जी के पास वेदों की उत्पत्ति के लिए भेजा। इन वेदों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य भरा है। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र द्वारा हुई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितु, ये सवित्र देवी का मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने ये जो समस्त उच्चारण किया है ये गायत्री मंत्र कहलाएगा। अब मैं आपको माँ गायत्री की महिमा सुनाता हूँ। जब समस्त संसार में पाप की अमर्यादित वृद्धि हुई, तब संसार में भीषण अकाल पड़ा था और समस्त चराचर पानी और अन्न के अभाव में छटपटा रहे थे, तब माँ माँ भूख लगी है, रोटी दो ना। कहाँ से लाओ रोटी, खाना है तुम मुझे खा ले। अकाल पीड़ितों का वो दल महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचा, जो कि माँ गायत्री के अनन्य भक्त थे। माँ गायत्री ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया, जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में इच्छित वस्तु दे सकता था। धन्य धन्य माँ गायत्री, धन्य। वेद माता गायत्री की महिमा की अनेक कथाएं हैं। एक बार देवराज इंद्र नारद मुनि के सम्मुख अपनी और देवताओं की शक्ति की बढ़ चढ़ के डींगे हाँक रहे थे। तभी वहां एक ब्राह्मण आए। देवताओं ने उसे मायावी समझकर उसे शक्ति परीक्षण की चुनौती दी। वायुदेव, अपनी शक्ति का परिचय शांतिपूर्वक दे। ये देखिए, एक तुच्छ तृण है। आप तो बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों को अपने वेग से हिला देते हैं। आप कृपया इस तृण को हिलाकर दिखाएं। मगर उस तृण को कोई नहीं हिला पाया। ये ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, माँ गायत्री का ही रूप था। जय हो माँ गायत्री। एक दिवस देवराज इंद्र यज्ञ करने हेतु ब्रह्मा जी और शंकर जी को लेकर श्री हरि विष्णु को निमंत्रण देने वैकुंठ आए। परंतु श्री हरि विष्णु युद्ध से क्लांत होकर विश्राम करने गए हुए थे। समस्त देवगण विष्णु जी के पास पहुंचे, जो निद्रा में लीन थे। विष्णु जी को जगाकर निद्रा भंग करने का दोष देवगण अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में सृजनकर्ता ब्रह्मा जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने वमरी कीड़े की रचना की और उससे श्री हरि विष्णु के धनुष की नोक को कुतरने का आग्रह किया। नारायण नारायण। ठीक है, आप वमरी कीड़े ने आगे बढ़कर ज्यों ही धनुष को काटा कि अचानक विष्णु जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। श्री हरि का मस्तिष्क अदृश्य, घोर अनर्थ, ना भूतो ना भविष्यते। देख लिया आपके उपाय का परिणाम। घबरा कर सभी देव माँ आदि शक्ति को पुकारने लगे। माँ भुवनेश्वरी ने प्रकट होकर देवताओं को धाड़स बनाया और घटना का कारण देवी महालक्ष्मी का श्राप बताया। विष्णु जी के मस्तक के अलग होने का एक अन्य कारण अश्वरूपी दैत्य हयग्रीव का वध भी था, जिसे माँ का वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल अश्वरूपी मनुष्य के हाथों ही होगी। मैं अमर हो गया। तब माँ के आदेश पर श्री ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु के धड़ पर अश्व का सिर लगाया। ओम श्री विष्णुवे नमः। इस प्रकार कुबुद्धि अत्याचारी दैत्य हयग्रीव का वध श्री हरि विष्णु के हाथों हो सका। हे ऋषिजनों, अब मैं माँ आद्य शक्ति की उस लीला की कथा सुनाऊंगा, जिसमें उन्होंने शिव जी को गौरवान्वित करने के लिए शिव सती की लीला रच के
भक्तों के मन मंदिर में भक्ति की ज्योति जलाई। इससे पूर्व की कथा में आपने कहा था आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी ने शक्ति स्वरूप महाकाली को अर्धांगिनी के रूप में शंकर जी को प्रदान किया, और अब आप शिव और सती की लीला कथा सुनाने जा रहे हैं। तो क्या देवाधिदेव शंकर ने दूसरा विवाह किया था? इसके पीछे भी एक कथा है। हलाहल जाति के दैत्यों पर विजय पाकर जब श्री हरि विष्णु और शंकर जी शक्ति लोक पहुंचे तो हर्षोल्लास में वे देवी महाकाली और महालक्ष्मी का अपमान कर बैठे, जिससे दोनों देवियां रूठकर अपने अपने स्वामी को त्याग कर चली गईं। तुम से तू पर आकर अपमान तो आपने मेरा किया है। और महालक्ष्मी, हमारी विजय और सामर्थ्य का सम्मान न करके तुमने हमारा अपमान किया है। मेरा तेरा संग नहीं निभेगा। जैसी आपकी इच्छा। दोनों देवियों के चले जाने से सृष्टि संचालन और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो गई और आसुरी शक्तियां प्रबल होने लगी। इनका संहार सिर्फ शिवपुत्र ही कर सकते थे। तब सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा, मां आद्य शक्ति जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। प्रसन्न हो जाएं तो उनसे ये वर मांगना कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लें। तब समय आने पर हम उसका विवाह शंकर जी से कर देंगे। हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम पर प्रसन्न हुई। लोक कल्याण के उद्देश्य से माँ भुवनेश्वरी ने अपनी लीला की रचना की और माँ महाकाली के सगुण रूप में सती के नाम से दक्ष के घर अवतार लिया। मैं धन्य हो गई माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। जब सती युवती हो गई और देवर्षि नारद ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय प्रदान किया तब, पिताजी मैं देवाधिदेव शंकर जी की प्राप्ति के लिए तप करना चाहती हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहो किस प्रयोजन से ये कठोर तप कर रही हो? आत्मा ने जीव रूप धारण किया है, अब वो परब्रह्म में लीन हो जाना चाहता है। देवाधिदेव महादेव जी का विवाह दक्ष पुत्री सती रानी के साथ संपन्न हुआ। शिव सती का जीवन संतोष एवं सुख से पूर्ण था, किंतु मां भुवनेश्वरी को तो अपनी लीला रचनी ही थी। ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को प्रजापति पद प्रदान किया तब से उनकी मति भ्रमित हो गई और उन्होंने गर्व में चूर होकर भोले शंकर का अपमान कर दिया। भूत प्रेत और पिशाचों के साथ रहने वालों से आशा करना भी व्यर्थ है। बड़े अहंकारी ने नीति विरुद्ध कार्य किया है, अतः मैं श्राप देता हूं कि यज्ञ के शुभ कार्य में शिव का भाग नहीं रखा जाएगा। अनर्थ, शिव जी को श्राप। क्या हुआ है पिताजी को जो ये भी विचार न कर सके कि आपका अपमान मेरा अपमान है? आप आज्ञा दें तो मैं वहां जाकर उनकी दुर्भावना का कारण पूछूं। ना जाना ही उचित होगा। क्यों आई है? किसने बुलाया है इसे? क्या पिता होकर पुत्री से कह रहे हैं क्यों आई है, किसने बुलाया है? पुत्री को अपने माता पिता के घर आने के लिए कारण की आवश्यकता होती है क्या? सुन ले, एक बार नहीं सहस्त्र बार सुन ले, तेरा पति नंगा अवधूत है, अपवित्र है, जो शमशान में पड़ा रहने वाला निर्लज्ज, नंग धड़ंग, अघोरी दुष्ट है। मौन हो जाइए पिताजी, मौन हो जाइए, अब सहा नहीं जाता। ओ,
महाकाल वीरभद्र, कणखल में जाकर दक्ष का यज्ञ बंद कर दो, उसका वध कर दो, जाओ। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान देकर यज्ञ की पूर्ण आहुति की। पर माँ, पिताजी जीवित तो हो गए। शिव जी सजल नेत्रों से माँ सती रानी का जलता हुआ शरीर लेकर निकले और आकाश मार्ग से गमन करते हुए जलती हुई माँ के शरीर के विभिन्न टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे उन विभिन्न स्थानों को शक्तिपीठ कहते हैं। आपने कहा था विष्णु जी ने महालक्ष्मी का त्याग किया इसलिए वे चली गई और अपमानित होकर महाकाली भी शिव जी का त्याग कर चली गई। फिर देवताओं द्वारा आदि शक्ति माँ से प्रार्थना करने पर माँ ने कहा था विष्णु जी को लक्ष्मी जी पुनः क्षीर सागर से प्राप्त होंगी, तो कृपा कर हमें बताइए श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पुनर्मिलन कैसे हुआ? इन दोनों का पुनर्मिलन कराने के लिए माँ भुवनेश्वरी ने अद्भुत लीला रचकर एक घटना को जन्म दिया। दुष्ट दैत्यों ने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र से उनका स्वर्ग हर लिया। घबराए हुए इंद्रदेव श्री हरि विष्णु जी के पास वैकुंठ पहुंचे। विष्णु जी ने नारद आदि देवगणों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई जिससे अमृत की प्राप्ति हो और देवगणों से पीकर अमर हो जाएं। किंतु देवगण अकेले समुद्र नहीं मच सकते थे, अतः दैत्यों के राजा बलि जो विष्णु जी के भक्त थे उन्हें अमृत का प्रलोभन देकर दैत्यों को भी मंथन के लिए मना लिया। बलि का सादर नमन। कल्याण भव, शुभम भव, स्वस्थाने उपविश। मथनी के रूप में मंद्राचल पर्वत और रस्सी के लिए शेषनाग को उपयुक्त समझा गया। करुण मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले आए। डगमगाते हुए मंद्राचल पर्वत को स्थिर करने के लिए श्री हरि विष्णु ने कुर्मा उतार लिया। वासुकी नाग आ गए, शेष नाग वासुकी आ गए। अब मंथन आरंभ करेंगे। मंथन में सबसे पहले विष निकला जिसे दैत्यों और देवगणों के आग्रह पर देवाधिदेव शंकर जी ने ग्रहण कर उसे अपने कंठ में छिपा लिया और वे नीलकंठ कहलाए। धन्य हो प्रभु, क्या युक्ति से हलाहल विष को कंठ में छिपा लिया। महर्षि वशिष्ठ, कामधेनु को आप ग्रहण करें। तदुपरांत मंथन चलता रहा जिसके फलस्वरूप अनेक पदार्थ निकले जिन्हें दैत्यों और देवताओं ने आपस में बांट लिया। उच्च श्रव अश्व, इस ऐरावत हाथी से तो स्वर्ग सुशोभित होगा, अतः इसे स्वर्ग में भेज दिया जाए। कौस्तुभ मणि, पारिजात, ये अप्सराएं हमारी हैं। अब तो गंधर्वों के अंतरिक्ष में रहेंगी। और फिर सागर से देवी महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने श्री हरि विष्णु के गले में जयमाला पहनाई।
और अंत में सागर मंथन से अमृत कलश लेकर धन्वंतरी निकले। दैत्य उनसे अमृत कलश छीनने के लिए आगे बढ़े। तब श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर बड़ी युक्ति से उस कलश को दैत्यों से पुनः प्राप्त कर अमृत का देवताओं को पान कराया। जाइए। लेकिन राहु नाम के एक चतुर दैत्य ने देव रूप धरकर अमृत पान कर लिया, जिसका सिर श्री हरि ने अपने चक्र से काट दिया। सुनो सूर्य चंद्र, तुमने राहु से शत्रुता की है। मैं राहु हूँ, राहु प्रतिशोध लूंगा। तब महाभयंकर युद्ध हुआ। दैत्यों को यही दुख था कि देवता तो अमृत पीकर अमर हो चुके हैं, किंतु वे विकलांग होकर जीवन भर के लिए मरणासन दुख भोगते रहेंगे। तब श्री नारद जी ने आकर युद्धरत दैत्यों और देवताओं की संधि करवाई और इस प्रकार जगत जननी मां भुवनेश्वरी की एक और लीला संपन्न हुई।